हे गाइस, सीजन 3 के एपिसोड 8 में तुम्हारा स्वागत है यार। और यार ये एपिसोड कुछ मज़ेदार है क्योंकि स्टोरी में अब थोड़ा ट्विस्ट आने लगा है। तो यार बिना लाइक और सब्सक्राइब के भीख मांगते हुए चलो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। मगर हाँ, एपिसोड के स्टार्टिंग से पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि अब ये सीज़न एंड होने को है और इसे अगला सीज़न मैं तुरंत एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चांडाल चौकड़ी जो है ब्रेड कमेलिया वो सब लोग आपस में बात वगैरह करती हैं, स्ट्रेटजी वगैरह बनाती है कि आगे की वो स्टेट के किस तरीके से वो काम करेंगे, मतलब किस तरीके से वो पूरा ह्यूमंस वगैरह को कंट्रोल में लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, कहने को ये बहन है मगर ये स्टेप ब्रदर सिस्टर वाला काम कर रही है, अपने को नहीं मतलब इन सब चीज़ों से। और यहाँ पर कैमिलिया वगैरह भी सब लोग आपस में बात करते हैं, मगर ये कोई मेन चीज़ नहीं है। मुद्दा यहाँ से आता है कि दोनों जो हैं ये अपने मतलब जो जूमी और टाका हैं ये एलुकार्ड के बारे में बात करते हैं। और ये लोग कहते हैं कि एलुकार्ड बिल्कुल अकेला रहता है यहाँ पर, क्या उसका दिमाग ख़राब नहीं हो जाएगा अकेला रहते रहते। और इसके बाद यार वो लोग सीधे अंदर चले आते हैं। और अब आता है मेन पॉइंट पूरे एपिसोड का। जैसे यार सेंट जर्मन अंदर जाता है उसको एक मॉन्स्टर दिखता है जो लटका हुआ होता है बिल्कुल जीसस की तरह पे। और ये चीज़ देख के उसके फटके चार हो जाती है भाई, क्योंकि भाई वो इस तरीके से मॉन्स्टर को टॉर्चर कर रखा है और ये लोग पता नहीं कुछ क्या ही रिचुअल फॉलो करने वाले हैं जिससे कुछ अलग ही कांड होगा यहाँ पे। और यहाँ पे पूरी तरीके से वो मैजिक वगैरह का मतलब सर्कल वगैरह देखता है और विच क्राफ्ट के। और जैसे ही बाहर निकलता है तो वहाँ पे यार वो उसको दोबारा से जो अपना प्रायर साला जो मेन बंदा है चर्च का वो उसे रोक लेता है, उसे पूछता है कि क्या उसने सारी बुक वगैरह पढ़ ली। तो इसको बातों में उलझा के कहता है कि हाँ उसने बुक पढ़ ली है, उसका पेट ख़राब है, उसे बाहर जाना है। और ये सब बातें बोल बाल के वो वहाँ से निकल जाता है उस चर्च के मेन बंदे से। और इधर ये लोग बेलमोंट और वो लोग मार कूट करके पूछ रहे होते हैं बंदे से कि भाई ये बता अंदर चल क्या रहा है। और इधर वो बताता है कि उसको एक पूरी तरीके से बात नहीं पता, मगर वो कुछ वापस से ज़िंदा करने की मतलब चाहते वापस से कुछ ज़िंदा करना चाह रहे हैं, इतना बताते हैं बस। और यहाँ पे यार वो लोग भी मतलब बोलते हैं कि वो साइफा और बेलमोंट अंदर जाके मॉन्स्टर्स वगैरह को विचक्राफ्ट को संभाल तो लेंगे मगर वो लोग मेयर ह्यूमन से नहीं लड़ सकते, क्योंकि यार चर्च में बहुत सारे लोग हैं जो उसका मतलब रास्ता रोकेंगे और वो ह्यूमन से लड़ना नहीं चाहते। तो इस पे यार जज बोलता है कि वो अपनी आर्मी तैयार करेगा ताकि वो चर्च के लोगों को संभाले और वो लोग मॉन्स्टर को संभालें। इधर सेंट जर्मन आके बताता है कि वो किसी चीज़ को दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं, हेल का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ जाकर उन्हें रोकना चाहिए। तो इस पे यार जो साइफा होती है वो भी उसको सेंट जर्मन को अपने साथ ले आने को तैयार होती है, क्योंकि सेंट जर्मन ने पहले भी कॉरिडोर का इन्फाइनाइट डोर देखा है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने यार मतलब विच क्राफ्ट परफॉर्म करने के लिए मतलब प्रार्थना वगैरह करते हैं। और उसका ये मानना है कि वो ड्रैकुला को वापस ज़िंदा करेगा। प्रायर साला जो है जो बंदा, इसका नाम ही प्रायर साला है भाई, मैं साला इसे गाली नहीं दे रहा हूँ पहले बता दूँ तुम्हें। ये बंदा जो है तलवार वलवार निकाल के सब लोग तैयार हो जाते हैं कि कोई अगर रास्ते में आएगा तो उसको भी काट देंगे ये। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जूमी और टाका कुछ ज़्यादा ही कैसल के उड़ने के ऊपर मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वो लोग एलुकार्ड से बार बार क्वेश्चन करते हैं। यानी कि मेरे को यहाँ पर लोगों पर शक होता है कैसल के मूवमेंट को लेकर ये लोग इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्टेड हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हेक्टर और जो अपना जो लियोना है करके बंदी है जो वो आती है वापस से, वापस इससे वही मीठी मीठी बातें लगाने चालू कर देती है और बंदी के चक्कर में ये हो जाएगा पागल भाई। ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा घटिया लगता है, क्योंकि भाई ये बंदी इसको इतना ज़्यादा चूतिया बना रही है, इसका पूरा गंदा तरीके से कटने वाला है। और ये यार बोलती है कि ये सीधे तरीके से अपने बहनों को धोखा नहीं दे सकती, वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, और हेक्टर बोलता है कि उसे चाहिए यहाँ से आज़ादी। पर यार वो बोलती है कि वो उससे प्यार व्यार करने लग गई है और वो उसको जाने नहीं देना चाहती और वो अपनी बहनों को धोखा नहीं दे सकती, तो इसलिए वो हेक्टर से बोलती है कि वो हेक्टर और वो क्यों ना इसी कैसल वगैरह में रह जाएं और हेक्टर उसकी मदद करे शादी वगैरह करने की बात बोलती है, घुमा फिर आगे मतलब उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि हम पूरी एक आर्मी जो है मतलब ह्यूमंस की पूरी एक आर्मी जो है वो वहाँ पर निकल पड़ती है अपना चर्च की तरफ, क्योंकि चर्च में यार वो लोग चर्च के बंदों से को भी संभालना है। इधर बेलमोंट और साइफा भी उस आर्मी वगैरह के साथ होते हैं और जो मेन जज है वो भी होता है वहाँ पे। अब वो बोलता है कि मतलब बाहर बुलाने आवाज़ वगैरह लगाता है, कोई बाहर नहीं निकलता। और अंदर हम लोग देखते हैं खून से पूरा एक मतलब विच क्राफ्ट का पूरा मामला सेट कर दिया गया है। और अब यहाँ पर मुझे लगता है ड्रैकुला को दोबारा ज़िंदा करने के लिए मतलब परफॉर्म करने वाले हैं। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।